मेरी वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं आपको अमरूद खाने के 8 बेहतरीन फायदों के बारे में बताने वाला हूँ। आपने अमरूद के फायदे आज तक यही सुना होगा कि पेट से जुड़ी समस्याओं में फायदा करता है, बट अमरूद जो है कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से भी हमें बचाता है। और आप सभी को इसके बारे में पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि अमरूद जो है कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट आपको देता है, जिससे कि कल को आप अमरूद खाएंगे तो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि अमरूद में ये सारे बेनिफिट होते हैं। और साथ ही आपको इसका सही तरीका भी पता होना चाहिए, जिससे कि आपको आपकी बॉडी में कोई भी नुकसान ना करे। और साथ ही साथ आपको कुछ बातों का भी पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, आपको अमरूद के बारे में सारी जानकारी मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके हेल्थ बेनिफिट के बारे में। तो सबसे पहला जो हेल्थ बेनिफिट है वो यही है कि पेट से जुड़ी समस्याओं में हमें फायदा करता है, यानी कि आपको गैस है, एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, तो बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। आप अगर अमरूद खाएंगे तो आपको ये सारी समस्या नहीं होगी। जो दूसरा बेनिफिट है वो ये है कि हार्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। इसमें जो है पोटेशियम और मैग्नीशियम की मात्रा अच्छी प्रेजेंट होती है, जो कि आपके हृदय रोग से संबंधित बीमारियों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इसमें जो है आपके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो भी धीरे धीरे कम होता है, यानी कि जो बेकार का कोलेस्ट्रॉल होता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, वो हमारे बॉडी से धीरे धीरे रिमूव होता है। हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, तो जिससे कि हमारा हृदय जो है, हार्ट जो है, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहता है। इसमें जो तीसरा है, डायबिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है, यानी कि अगर आपका ब्लड शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है तो उसमें आपको कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि इसमें कैलोरी की मात्रा जो है बिल्कुल कम प्रेजेंट होती है। साथ ही साथ आपके फैमिली में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, तो अगर आप अमरूद का सेवन करते हैं तो आपको डायबिटीज़ होने का जो खतरा है वो काफ़ी कम हो जाता है। इसमें जो फोर्थ बेनिफिट है वो ये है कि अगर आपको लीवर से संबंधित समस्या, अगर आपको लीवर सिरोसिस है, लीवर में इन्फेक्शन हो रखा है, तो आपको अमरूद का सेवन करना चाहिए, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है। इसमें जो फिफ्थ है, आपके आंखों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि इसमें विटामिन ए की मात्रा जो है अच्छी प्रेजेंट होती है, जो कि आपके आईसाइट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प होता है। इसमें जो सिक्स्थ है, अगर आपको वेट लॉस करना है तो अमरूद जो है काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि कैलोरी की मात्रा जो है काफ़ी कम प्रेजेंट होती है, जिससे कि आपके वेट लॉस करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलता है। क्योंकि अगर आप इसका सेवन करेंगे तो आपका पेट तो बढ़ जाएगा, बट इसमें कैलोरी की मात्रा उतनी प्रेजेंट नहीं है, जिससे कि आपका वेट गेन नहीं होगा और काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है वेट को लूज़ करने में। इसमें जो सेवन्थ है, आपके स्किन को हेल्दी रखता है। अगर आप अमरूद का सेवन करते हैं, इससे आपके स्किन जो है हेल्दी रहने वाले हैं। आपको पिंपल्स की समस्या अगर रहती है तो उसमें जो है आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल सकता है। इसमें जो एट्थ है, इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है, जो कि आपके बॉडी में इमेच्योर कैंसर सेल्स के ग्रोथ को प्रिवेंट करती है, रोकती है, जिससे कि आपको कैंसर होने का जो खतरा है वो काफ़ी कम हो जाता है। सो आप जानते हैं कि अमरूद खाने का जो सही तरीका है वो क्या है, क्या सही समय रहने वाला है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अमरूद को आपको सुबह सुबह सेवन नहीं करना है, शाम को सेवन नहीं करना है, और रात को भी सेवन नहीं करना है। जो सही टाइम रहेगा वो रहेगा दोपहर का टाइम। और दोपहर के टाइम में भी आपको ये ध्यान रखना है कि जो दोपहर का खाना है, खाना खाने से एक घंटा पहले या तो आपको अमरूद का सेवन करना है, या फिर आपको खाना खाने के 2 घंटे बाद आपको अमरूद का सेवन करना है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, और ये है सही तरीका अमरूद का सेवन करने का। सो आप जानते हैं अमरूद से रिलेटेड कुछ जरूरी बातों के बारे में जो आपको पता होना चाहिए अगर आप अमरूद का सेवन करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला ये है कि अगर आपको पेट से जुड़ी कोई बड़ी समस्या है, कोई बड़ी बीमारी है, और आपका मेडिसिन चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है, उस टाइम पर आपको अमरूद का सेवन नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर जो दूसरा आपको ध्यान रखना है कि आपके स्किन में अगर एलर्जी है, कोई बड़ी समस्या है, आपके स्किन से रिलेटेड कोई आपको ट्रीटमेंट चल रहा है बड़ा, तो उस टाइम पर भी आपको अपने डॉक्टर से जरूर पूछना चाहिए। और यहाँ पर जो तीसरा आपको ध्यान रखना है वो ये है कि अगर आपको बॉडी में ब्लड शुगर लेवल काफ़ी कम रहता है, तो उस टाइम पे भी आपको अमरूद का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें कैलोरी की मात्रा बिल्कुल ना के बराबर होती है, जिससे कि आपका ब्लड शुगर लेवल जो है और ज़्यादा लो हो सकता है, ठीक है। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आप सेवन कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ने नहीं देता है, ठीक है। और इसमें जो आपको और ध्यान रखना है कि अगर आपको किडनी से रिलेटेड अगर आपकी कोई बीमारी चल रही है, कोई बड़ी बीमारी चल रही है, तो उस टाइम पे भी आप अपने डॉक्टर से एक बार पूछ लीजिए, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट होता है, या फिर आपके बॉडी में कोई भी बड़ी बीमारी चल रही है, तो उस टाइम पे आप अपने डॉक्टर से एक बार पूछ लीजिए, क्योंकि अमरूद जो है वो ठंडा होता है, ठीक है। तो वैसे तो इसके काफ़ी सारे मैंने आपको बेनिफिट बताए हैं, बट एक बार आप कन्फर्मेशन के लिए अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं, ओके। सो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, और ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।